साहब आटा गूंदा जा रहा है, ये आटा गूंदने की मशीन है और इसके अंदर बस पानी आपको हाथ से डालना पड़ेगा, मैन्युअली डालना पड़ेगा, बाकी ये आटा अपने आप गूंदेंगे। अब ये 20 से 25 किलो आटा इसके अंदर डाल रही है, ये 10 किलो ये डाल चुके हैं, ये दूसरा 10 किलो का पैकेट है। तो ये देखो भाई 20 किलो आटा डाल दिया, सूखा आटा, और इसके अंदर अब मैन्युअली पानी डाला जाएगा अंदाजे से कि कितना पानी डालना है। और जब ये आटा पूरा गूंद जाएगा उसके बाद ये ऑटोमेटिक मशीन के अंदर रखा जाएगा, जिसमें ये अपने आप रोटी का शेप ले लेगी, पेड़े बनाएगी, फिर रोटी का शेप ले लेगी और फिर रोटी को सेक के सीधा बाहर निकालेगी। तो आप अभी आप देख सकते हो कि 20 किलो आटा गूंदा जा रहा है, क्या बात है। मतलब कि आप ये देखो कि कितने एफर्ट्स लगते हैं लंगर बनने में, 40 से 50 हजार लोगों का वीकडेज में बनता है और वीकेंड के अंदर कम से कम ये 70 से 80 हजार हो जाता है। तो ये देखो जी आटा पूरा गूंद चुका है और अब इस आटे को डाला जाएगा उस मशीन के अंदर। तो ये देखो जी यहाँ पे अब आटा डाला जा रहा है, ये आटा गूंद चुका है जो भी आपके सामने गूंदा है, और ये मशीन के अंदर डाला जा रहा है। तो ये धीरे धीरे आगे चलेगी और इसको एक एक रोटी का जो पेड़ा होता है, जो पेड़ा होता है, उस आकार के अंदर उसको कट किया जाएगा। तो ये देखो जी यहाँ पर जैसे बताया कि ऑटोमेटिक मशीन देख रहे हैं आप कि ये इसको एक रोटी की शेप के लिए पेड़े में कट किया जा रहा है। आप देख सकते हो हर एक पेड़ा जो है वो इक्वली है, और ये सूखा आटा जो कि धूरा लगाया जाता है जब रोटी बेलते हैं ताकि रोटी चिपके ना या फटे ना। तो ये इसके अंदर देख रहे हो, ये आराम से आ रहा है और यहाँ पे रोटी बेल के सीधा बाहर निकाल रहा है। तो ये प्रसादा बेल गया, प्रसादा बेलने के बाद सीधा आगे चल रहा है जहाँ पर अब ये गैस के अंदर जा रहा है और एकदम स्लो चलेगा, एक बार राउंड नहीं लगेगा, कम से कम तीन चार राउंड है, दो तीन राउंड है। आप देख सकते हो उसके अंदर रोटी को सेक लगता है और सेक लगने के बाद सीधा एंड में आके वो निकल जाएगी जब पूरी डन हो जाएगी। अब दिखाते हैं आपको कहाँ पे निकलेगा प्रसादा। तो ये देखो जी गर्मा गर्म प्रसादे रेडी हो चुके हैं और अब इसको लंगर हॉल में लेके जाया जाएगा। पहले इस पर घी लगाया जाएगा और फिर लंगर हॉल में लेके जाएगा। देख रहे कितने फूले फूले निकल रहे। तो चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि अब लंगर हॉल, और दिखाता हूँ वो जगह जहाँ पे अभी भी ये मशीन होने के बावजूद रोटी बनाई जाती है, मतलब प्रसादा बनाया जाता है हाथ से मैनुअली। अरे यहाँ पे रोटियां बेली जाती है और बेलने के बाद सीधा तवे पे डाली जाती है ताकि इसको पकने के लिए। आप देख सकते हो कितनी भारी मात्रा में रोटियां बेली जा रही है और लोग यहाँ पे आते हैं, अपनी मर्जी से आते हैं, सेवा करते हैं, और अगर आप भी आना चाहते हो तो आप भी। तो ये देखो जी पहले सबसे पहले दाल परोसी जा रही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, कभी भी आप गुरुद्वारे आए लंगर छकने के लिए तो उतना ही लंगर लीजिए अपनी प्लेट में जितना कि आप पूरा खा सके, वेस्ट ना करें, क्योंकि वेस्ट करेंगे तो आप ये समझ लो कि किसी और के हिस्से का आप डस्टबिन में फेंक रहे हो। तो इससे बेटर है कि आप उतना ही खाओ जितना आप पूरा खा सको, लंगर वेस्ट नहीं होना चाहिए बस। तो ये चीज़ का ध्यान रखना, ये एक रिक्वेस्ट है। और कभी भी गुरुद्वारे आए तो कोशिश करना खुद सेवा करने की अंदर, क्योंकि सेवा करके जो आनंद मिलता है, लोगों को जो फीड करने में आनंद मिलता है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। और आप देख सकते हो सारे के सारे बंदे नीचे ज़मीन पे बैठे हैं, जैसा मैंने बताया कि चाहे कोई अमीर हो या गरीब हो, चाहे कोई मिनिस्टर हो या छोटी सी नौकरी करता हो, हर एक बंदा यहाँ पर एक समान लेवल पे, इक्वल लेवल पे बैठ के लंगर छकता है। और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए सीट लगा रखी हैं जिनको नीचे बैठने में तकलीफ होती है। तो आप देख सकते हो प्रसादा दे रहे हैं, आप प्रसादा दे रहे हैं। तो ऐसे पूरा का पूरा ये प्रोसेस है जो दिन भर चलता है और ताज़ा लंगर बनता है। कोई भी चीज़ बासी नहीं परोसी जाती, हर एक चीज़ ताज़ा बनाई जाती है, क्या बात है।